नमस्कार, न्यूज पुणेश्वर देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि जिस तरह से मोदी और योगी बुलडोजर चला रहे हैं, उसी प्रकार से नीतीश कुमार भी बिहार में बुलडोजर चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगता था कि हम योगी और मोदी से पीछे हैं, ऐसे में आगे करने के लिए बिहार में भी 20-20 बुलडोजर जो है नीतीश कुमार चलवा रहे हैं और असहाय लोगों के घरों को जो है जबरन तोड़वा रहे हैं। जी हाँ, जगदानंद सिंह यह भी कहा है कि समझौता करके उन लोगों के साथ जो है मामला को सलटाया जा सकता था, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। जो असहाय व्यक्ति हैं, जिनके जो करोड़ों की लागत से अपने घर को बनाए, आज उनके घर में कई परिवार के साथ जब रह रहे हैं, तो अब नीतीश कुमार उनको घर से बेघर करने में लगे हुए हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। ठीक से नहीं कह पाएंगे, मैं इतना ही कह रहा हूँ। लोग जैसा कहते हैं कि सरकार ने एक्विजिशन किया, लोग कहते हैं वहाँ बाशिंदे कि हमने यहाँ के लोगों से खरीद की, यदि उसका सेल डीड बना हो तो सरकार को बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्री की संस्था तो तुम्हारी है, तुमने सेल डीड कैसे बनाया। यदि सरकार ने म्यूटेशन भी किया तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपने म्यूटेशन कैसे किया। लेकिन जो जानकारी अभी मिली है, कभी बीमा के बाशिंदों से हमारी जानकारी नहीं मिली, 75 से एक्विजिशन का सिलसिला शुरू हुआ और कंप्लीशंस नहीं हुआ। अब आज हम 2022 के हम जुलाई में चर्चा कर रहे हैं, जब वहाँ के सारे आवास ढाहे जा रहे हैं, हजारों की संख्या में बना हुआ है। हजारों की संख्या मतलब सैकड़ों करोड़ का निवेश। शहर के मकान हैं 10-20 लाख ही नहीं, कहीं 1-2 करोड़ के भी बने होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। हमें लगता है कि इसका सेटलमेंट भी हो सकता था, सरकार भी कोई अर्बन कॉलोनी बनाने के लिए शायद जमीन लेना चाहती थी, तो इनको भी मौका देना चाहिए था। ये प्लॉट में आप चाहो तो हिस्सेदारी ले लो। जो जानकारी मिली है कि वहाँ सड़कें बनाई गई हैं, वहाँ के घरों में बिजली दी गई है, कौन की सरकार किस पीरियड में दिया गया, ये मेरा विषय आज इसलिए नहीं है। जब 75 से क्रिया चल रही है तो पक्ष और विपक्ष में जितने लोग हैं कभी न कभी सरकार में रहे हैं, इसलिए केवल सरकार का मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आज तत्कालीन सरकार है, सैकड़ों करोड़ के पूंजी निवेश, इंसान जो अपने साधनों को किसी तरह जुटा करके एक मकान बनाया था, और सरकार भी कभी कॉलोनी बनाने के लिए ही आगे आ रही है, तो उसका सेटलमेंट किया जा सकता था। और सरकार का काम ही है केवल बुलडोजर नहीं चला देना, सरकार का काम है कि मानवता के आधार पर, यदि कानून में कोई लेकिन हो भी तो कानून को दुरुस्त करके और मानवता के आधार पर परिवारों को तकलीफ पहुंचाने के बदले में उन परिवार को राहत, जहां बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, बूढ़े होंगे, सभी निरी हालत में चले जाएंगे झोपड़ियों पर बुलडोजर। लेकिन शायद नीतीश बुलडोजर चलाने में थोड़ा अपने को योगी से पीछे समझ रहे थे और मोदी से, तो इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने राज्य को भी बुलडोजर राज कहलवाने के लिए शायद आज बुलडोजर चला रहे हों।